एवरी वन वेलकम बैक टू न्यूर हेलो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम आपको किस पर वीडियो बनाना बनाने जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आज हम आपको काइन मास्टर की सहायता से लिरिक्स वाली वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दें और वीडियो को स्कीप करें देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी अगर आपने वीडियो थोड़ी सी भी स्किप कर दी तो आपको थोड़ी सी भी नहीं समझ में आएगी चलो कानवास्टा ओपन करते हैं कानवास्टा ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्रिएट न्यू पर जाने के बाद सोलह पॉइंट नाइन का ईश्यू ले लें और एक इमेज ले लें जो आपने कोई भी इमेज डाउनलोड किया उसे ले लें लेने के बाद अब आप उसकी लेयर को थोड़ा सा बड़ा कर लें बड़ा करने के बाद अब आप उसे अच्छे से जूम आउट करके फुल स्क्रीन कर लें जूम आउट करके फुल स्क्रीन कर लें फुल स्क्रीन करने के बाद अब आप यहाँ से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद अब आप यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर जाएं। लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अब आप इसकी ग्राफिक्स में जाने के बाद आप इसमें नीचे आए अगर आपके पास इनिवेशन वाला ऑप्शन डाउनलोड है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें होम में जाके हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है इसलिए मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है करने के बाद अब आप इसकी लेयर को थोड़ा सा तो आगे ले जाएँ लेयर आगे ले जाने के बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद ट्रीम ट्रीम स्प्रिट पर जाके क्लिक कर दें करने के बाद फिर से यही कर लें एक और स्प्लिट बना लें यहाँ पर जाके कट करके करने के बाद अब आप इन स्प्रिट ऑफर क्लिक करने के बाद अब आप नीचे आने के बाद क्लासिक ट्रांसफॉर्मर पर जाके क्लिक कर करने के बाद जूम आउट वाला ऑप्शन ले लें जूम आउट वाला ऑप्शन लेने के बाद फिर से एक और बात जूम आउट वाला ऑप्शन ले लें जूम आउट वाला ऑप्शन लेने ले। के बाद अब आप यहाँ से बैग आ जाए बैग आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो वाला वीडियो कितनी अच्छी तरीके से कार कर रहा है आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कितनी अच्छी लगी अभी से ये हो जाने के बाद अब आप यहाँ से बैक आ जाएं बैक आने के बाद अब आपको म्यूजिक वाली लेयर लेने लेने के लिए आप लेयर बजाएं मीडिया बजाएं मीडिया बजाने के बाद आपके पास एक ब्लैक एसेंट वाला इमेज ले लें ब्लैक एसेंट वाला इमेज लेने के बाद उसे अच्छे से जूम करके पूरे फोटो को अटेस्ट करने के बाद अब आप इसकी लेयर को फुल कर लें लेयर नीचे आने के बाद न्यू नहीं अल्फाज पे जाने के बाद इसकी कैपेसिटी को सत्तर किलोमसम कर दें और इसकी लेयर को फुल कर लें फुल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो इतनी अच्छी लग रही है वो जाने के बाद फिर से आप लेयर वाले ऑप्शन बजाएं लेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया बजाएँ मीडिया बजाने के बाद आपके पास जो कोई भी म्यूजिक वाला सॉन्ग हो या वीडियो हो उसे ले लें ले आप उसे लेने के बाद आप इसकी सेटिंग में नीचे आएँ नीचे आने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर जाके क्लिक कर दें करने के बाद अब आप इस वीडियो को डिलीट कर दें वीडियो डिलीट हो जाने के बाद आपके म्यूजिक ऐड हो जाएगा म्यूजिक ऐड हो जाने हो जाने के, के बाद अब आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लें करने के बाद अब आप लेयर वाले ऑप्शन पर जाएं लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद टेस्ट पर जाएं टेस्ट पर जाने के बाद म्यूजिक में जो कोई बोल कुछ भी बोला गया है उसे आप टैप टाइप कर लें उसे आप टाइप करने के बाद यहाँ से ओके okay कर दें और या कोई भी मूज ले लें ओके okay करने के बाद उसे अच्छे से एडजस्ट कर दें एडजस्ट हो जाने के बाद अब आप इन एनिमेशन पर जाएँ इन एनिमेशन पर जाने के बाद पॉप वाला ऑप्शन ले लें और बैक आ जाएँ बैक आने के बाद अब आप ओवर ले वाले ऑप्शन पर जाएँ नीचे आने के बाद स्केल डाउन वाला ऑप्शन ले लेने के बाद यहाँ से बैक आ जाएँ बैक आने के बाद ओवरले एनिमेशन पर जाएँ जाने के बाद नीचे आ जाएँ स्कॉपलिंग वाला ऑप्शन ले लें लेने के बाद अब आप यहाँ से फिर से आ जाने के बाद फ्रंट वाले ऑप्शन पर जाएँ फ्रंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद माई फ्रंट पर जाएँ माई फ्रंट पर जाने के गर्ल वाला ये फ्रंट ले लें आप लेने के बाद जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा लेने के बाद देख सकते हैं कि आपका ही फ्रंट कितना अच्छा लग रहा है वो जाने के बाद अब आप इसकी सेट नीचे आने के बाद ग्लो वाले ऑफिसर पर जाके इसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं करने के बाद बैक आ जाए बैक आने के बाद अब आप सेट को भी ओपन कर दें ओपन करने के बाद इसको बढ़ाने के बाद डिस्क्रिप्शन और अप्लाई को बढ़ाने के बाद आप यहाँ से बैक आ जाएँ बैक आने के बाद अब आप आउट डॉ लाइन पर जाएँ आउट डॉन ऊपर कर दें ओपन करने के बाद अब आप यहाँ से बैक आ जाएँ आप देख सकते हैं कि आपकी लेयर कितनी अच्छी लग रही है अब आप लेयर पर जाके इसकी लेयर को फुल कर दें एंड तक ले जाकर रख दें एंड तक करने के बाद आप अब यहाँ से बैक आ जाए जहाँ तक आपकी म्यूजिक में ये, ये लेयर बोला गया है वहाँ पे जाके आप कट कर लें चला के देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आपका फ्रंट यहाँ पे जाके आप कट कर सकते हैं अब तो कट करने के बाद आपके YouTube चैनल या कुछ भी आपका ओ सब्सक्राइब या फॉलो वाला टाइप कर लें आप यहाँ पर एस्टावर्ड में जाने के बाद एडेट पे जाएँ और तो आपको सब्सक्राइब भी कर, करना है तो सब्सक्राइब लिख सकते हैं आप यहाँ पे अगर आप वीडियो लॉन्ग होने के कारण अब हम आपको आप जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे भी थोड़ी देर हो जाएगी अब ऐसे करके धीरे धीरे आप ऐसे करके एक एक करके आप टाइप कर लें धीरे धीरे कट कट करके कर आप लेयर में आ म्यूजिक मीजिक बोला जा रहा है वहाँ पर आप बट लिख लिख के जल्दी जल्दी से कट करके करके एडजस्ट कर लें जब तक ये हो रहा तब तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी भी दबा दें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो और ऐसी तरह सभी लेयरों को अच्छे से लिख लें अच्छे से एडजस्ट लिखने के बाद एडजस्ट करके एडजस्ट करके अच्छे से ऐड कर लें ऐड करने के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी लेयरें सभी अच्छे से लिख चुकी हैं अब आप देख ही सकते हैं एक बार अब आप फिर से आप लेयर वाले ऑप्शन पर जाएं लेयर वाले ऑप्शन में आने के बाद मीडिया पे जाएं मीडिया पे आने के बाद आप एक ब्लैक बैकग्राउंड वाला स्टार वाली वो ले लें वीडियो जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसे ले लें लेने के बाद अब आप उसे अच्छे से सेट कर लें सेट करने के बाद अब आप इसकी सेटिंग नीचे आने के बाद ब्रांडने वाले ऑप्शन पर जाएँ ब्रैंडिंग में आने के बाद स्क्रीन कर दें स्क्रीन करने के बाद बैक आ जाएं बैक आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपकी अब फिर से आप जाएँ मीडिया वाले ऑप्शन पर जाने के बाद म्यूजिक वाली जो लाइन होती है वो आप ले लें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा इसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा देने के बाद अब आप इसे भी अच्छे से देख सकते हैं स्क्रीन करके देख सकते हैं स्क्रीन हो जाने के बाद अब आप यहाँ से बैक आ जाएँ बैक आने के बाद आप इसे एडजस्ट कर लें अच्छे से अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब आप इसे वीडियो को चला के देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कितनी अच्छी सी लग रही है अभी थोड़ा सा थोड़ा सा इसे अच्छे से एडजस्ट कर लें अच्छे से एडजस्ट कर ले जूम आउट करके वो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो चलाने के बाद कितनी अच्छी लग रही है आप देख की सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें देख ही सकते हैं अब आप जो एक्स्ट्रा ऑडियो लेयर हैं उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं क्लिक करने के बाद ट्रीम राइट पर जाकर क्लिक कर दें ऐसे ही एक और लेयर है उसे भी ऐसे डिलीट कर दें थ्री राइट पर जाकर क्लिक कर दें करने के बाद अब आप यहाँ से बैक आ जाए बैक आने के बाद अभी आपकी वीडियो फुल तरीके से तैयार हो चुकी है अब आप यहाँ कोने में जाके डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड हो जाने के बाद आपकी वीडियो आपके फोन में आ जाएगी